नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ और एक बार और इस बार लाया हूँ बहुत सारे टेक्निकल न्यूज। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा आज का टेक्निकल न्यूज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव और आप लोग देख रहे हैं बेस्ट मजा। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है वो है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसरो प्लान कर रहे चंद्रयान 3। आप लोग जानते ही हैं चंद्रयान 2 जो 2019 में हुआ था वो 95% सक्सेस हुआ था। तो उसका ये और एक प्लान कर रहा है कि चंद्रयान 3 वो होगा नवंबर 2020 को। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए सब कुछ अच्छी तरह से लैंडिंग वैंडिंग सब कुछ अच्छी तरह से हो, इसका ही प्लानिंग चल रहा है। दोस्तों अगला जो न्यूज है वो है पबजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पबजी लैब्स बोल के एक नया ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर आपको कोई भी जो नया फीचर्स होगा उसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप पबजी गेम के अंदर नहीं, गेम के बाहर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो भी नया फीचर्स आएगा उसके बारे में। दोस्तों इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है आईफोन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईफोन प्लान कर रहे नेक्स्ट ईयर में जो भी आईफोन लॉन्च होगा उसके बारे में। तो शायद आईफोन SE 2 आ सकता है और उसके साथ साथ आईफोन आईपैड प्रो भी आ सकता है। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो है गूगल मैप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं गूगल मैप्स का यूज करते हैं। तो हम लोग जिस जगह पर भी जाते हैं उस जगह का नाम लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो उस जगह का नाम लोकल लैंग्वेज में, किसी भी अननोन जगह का नाम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसका अपडेट जल्दी आ जाएगा कि वहां पर आपको बोला जाएगा कि उस जगह का नाम लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो इसके बाद जो अगला अपडेट है वो है शाओमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक 3C सर्टिफाइड साइट के अंदर शाओमी का एक सर्टिफिकेशन देखा गया है। लगता है पोको F2 आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है उसको देख के लगता है कि पोको F2 आने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जब तक हमें न्यूज कंफर्म नहीं हो जाता तो तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि वो पोको F2 ही है। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो है मोटो रेजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला का मोटो रेजर जो है एक फोल्डिंग फोन जो है वर्टिकली फ्लिप होता है उसका वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और उसका प्राइस अराउंड इंडिया के प्राइस के अनुसार 1,07,000 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, और लेकिन इसमें ज्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसका जो मेन जो डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो बड़ा होने के बाद जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है 7.3 इंच का डिस्प्ले। इसका जो रियर कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का सिर्फ एक ही कैमरा है। इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन इसके जो प्राइस है वो है 1,07,000 रुपए। दोस्तों इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है रियलमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही है कि रियलमी का जो 5S है वो 20 नवंबर को लॉन्च होने वाला है और इसका मैं कुछ स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा और इसमें आपको डायमंड कार्ड शेप डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रुके हो किसी भी मोबाइल लेने के लिए तो ये अच्छा समय है जहाँ पर आप ले सकते हैं कोई भी मोबाइल। बहुत सारा मोबाइल ऐसा है कि डिस्काउंट में चल रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, तो आप जल्दी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जाइए और देख लीजिए क्या क्या मोबाइल है। बहुत सारा मोबाइल है जहाँ पर डिस्काउंट बहुत ही अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है वीवो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं कल ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वीवो U10 का सक्सेसर वीवो U20 आ रहा है और उसका स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन इसका जो प्राइस है वो करीबन सामने आ चुका है कि उसका प्राइस होने वाला है करीबन 10,000 से 11,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 10,000 से 11,000 के बीच में इसका प्राइस शायद हो सकता है। तो फिलहाल ये था पूरा टेक्निकल न्यूज। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए मुझे नीचे कॉमेंट में, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और हेल्दी रहिए।